खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। 16वीं लोकसभा कार्यकाल के आखिरी दिन मोदी का राहुल पर तंज, कहा पता चला गले लगना और गले पड़ने का अंतर, बोले राहुल के बोलने वाला भूकंप 5 साल में आया नहीं। संसद में सोनिया के बगल में खड़े होकर मुलायम ने कहा मैं चाहता हूं मोदी दोबारा पीएम बने। संसद में पेश हुई राफेल पर सीएजी की रिपोर्ट, लिखा यूपीए सरकार से सस्ती डील मोदी सरकार ने की लेकिन कीमत का नहीं किया खुलासा। सीएजी रिपोर्ट पर राहुल ने कहा दाम क्यों छिपाया, कांग्रेस सांसदों ने उड़ाए कागज के प्लेन, जेटली बोले सत्यमेव जयते। रात भर बैठक के बाद प्रियंका गांधी सुबह भी लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मिली, मुलाकातियों से भरवाया जा रहा है जाति वाला फॉर्म। 16वीं लोकसभा कार्यकाल के आखिरी दिन मोदी का राहुल पर तंज, कहा पता चला गले लगना और गले पड़ने का अंतर, बोले राहुल के बोलने वाला भूकंप 5 साल में आया नहीं। प्रयागराज कुंभ में आज अमित शाह और सीएम योगी ने संगम में स्नान किया, योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहे, संतों के साथ आरती भी की। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने गुर्जरों के लिए 5% आरक्षण का बिल पास किया, एक हफ्ते से गुर्जर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2021 में जातिगत आधारित जनगणना की मांग की। लद्दाख डिवीजन बनाने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा मोदी सरकार आग से खेल रही है, मुसलमानों की भावनाओं का नहीं रखा ध्यान।